हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से बीबीआई एमसीक्यूज हैं आपके लिए ग्रुप बी डीएससी पेपर टू स्टडी ऑफ शेक्सपियर में, जो कि कॉमेडी का सेक्शन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लियोनार्डो इन मच अडो अबाउट नथिंग? ऑप्शन बी अ गवर्नर। हु डज लियोनार्डो एज्यूम हैज टेकन हीरोज वर्जिनिटी? ऑप्शन बी क्लाउडियो। व्हाट टेरिबल ऑफेंस हैज हीरो सपोजली कमिटेड? ऑप्शन सी हैज लॉस्ट हर वर्जिनिटी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फोर, हु डज डॉन जॉन डिस्पाइज? ऑप्शन डी क्लाउडियो। व्हाट डज लियोनार्डो क्लेम हैज किल्ड हीरो? ऑप्शन डी सिलेंडर। हु डज डॉन पेड्रो बिलीव विल बी एन एक्सेलेंट मैच फॉर बेनेडिक्ट? ऑप्शन बी बीएट्रिस। क्वेश्चन नंबर सेवन, डॉन जॉन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज? ऑप्शन ए मीन स्पिरिटेड। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट डज मार्गरेट डू दैट मेक्स पीपल बिलीव शी इज हीरो? ऑप्शन बी वियर्स हर क्लोथ्स, उसके कपड़े पहनकर बैठ जाती है, यानी हीरो के कपड़े पहनकर वो बैठती है। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु डज बोराशियो हैव सिट इन हीरोज विंडो इन होप्स ऑफ बींग मिस्टेकन फॉर हीरो? ऑप्शन डी मार्गरेट। हु इज लियोनार्डोज डॉटर? ऑप्शन ए हीरो। क्वेश्चन नंबर 11, एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले हु वॉन्ट्स टू मैरी हीरो? ऑप्शन ए क्लाउडियो। बोराशियो एंड डॉन जॉन डिसाइड टू डिसरप्ट हीरो एंड क्लाउडियोज मैरिज बाय? ऑप्शन बी मेकिंग हीरो अपीयर टू बी चीटिंग ऑन क्लाउडियो। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टेबल्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन इज? ऑप्शन सी वर्जिस। व्हाट बिकम्स ऑफ हीरो व्हेन डॉन जॉन सेट्स हर अप? तो डॉन जॉन के कहने पर ये प्रेज्यूम किया जाता है कि वह मर चुकी है। ऑप्शन ए शी डाइज। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच कैरेक्टर इज द बिगेस्ट फ्लर्ट? ऑप्शन सी मार्गरेट। व्हिच कैरेक्टर प्रोवाइड्स द मोस्ट कॉमिक रिलीफ इन द प्ले? ऑप्शन बी डॉगबेरी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज मोस्ट ट्रू ऑफ बीएट्रिस? ऑप्शन सी शी स्पीक्स हर माइंड विदाउट कंसर्न फॉर एटिकेट, बिना सोचे समझे वो काम करती है। क्वेश्चन नंबर 18, हु डज क्लाउडियो अग्री टू मैरी आफ्टर ही एंड हीरो स्प्लिट अप? तो जब इन दोनों की शादी टूट जाती है तो वह अंटोनियो की बेटी के साथ शादी करना चाहता है। ऑप्शन डी। नाइनटीन, हु प्लॉट्स टू ब्रिंग बेनेडिक एंड बीएट्रिस टुगेदर? ऑप्शन डी डॉन पेड्रो। हु सेज द फॉलोइंग, अ मैन लव्स द मीट इन हिज यूथ दैट ही कैन नॉट इंड्योर इन हिज एज? ऑप्शन ए बेनेडिक। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डज डॉन जॉन डिसलाइक हिज ब्रदर डॉन पेड्रो? तो ये सारे रीजंस हैं, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई इज बीएट्रिस सो रूड टू बेनेडिक? ऑप्शन बी शी हैज बीन हर्ट बाय हिम सम टाइम इन द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 23, कैलिबन वॉर्न्स स्टीफेनो दैट ही मस्ट पजेस व्हाट बिफोर किलिंग प्रोस्पेरो? तो चूंकि प्रोस्पेरो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? बुक था, उसकी किताबें थी, हिज बुक्स। ऑप्शन बी। ये टेम्पेस्ट का पार्ट शुरू हो गया है स्टूडेंट्स, और टेम्पेस्ट कहा जाता है कि शेक्सपियर के अंतिम नाटकों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 24, फर्डिनेंड इज द सन ऑफ? ऑप्शन ए अलोंसो। क्वेश्चन 25, हाउ डज प्रोस्पेरो पनिश स्टीफेनो कैलिबन एंड ट्रिकुलो फॉर प्लॉटिंग टू किल हिम? ऑप्शन सी ही मेक्स देम रन थ्रू अ ब्रायर पैच एंड स्विम इन अ स्कमी पॉन्ड। क्वेश्चन 26, मिरांडा इज द डॉटर ऑफ? ऑप्शन सी प्रोस्पेरो। क्वेश्चन 27, शेक्सपियर यूज द थ्री यूनिटीज एक्सटेंसिवली इन दिस प्ले बिकॉज? ऑप्शन डी ही नीडेड द यूनिटीज टू एनकाउंटर द एबंडेंस ऑफ मैजिक इन द प्ले। वो बहुत ज्यादा जादू का जो प्रयोग वो करता था उसको कम दिखाने के लिए ही इसका यूज करता था शेक्सपियर। क्वेश्चन 28,
What disappears before the eyes of Antonio, Sebastian and Alonso and frighten them? तो ये ऑप्शन ए है, अ बैंकेट. सामने खाना परोसा रहता है, अचानक गायब हो जाता है. क्वेश्चन 29. What does Alonso believe has happened to his son? तो उसे लगता है कि उसका बेटा डूबकर मर गया है. He drowned in the shipwreck. Option A is the right answer. What does Prospero stage in order to celebrate the betrayal of Miranda and Ferdinand? तो यह एक मास्क का आयोजन करता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 31. When Stefano and Trinculo first see Caliban, they think option D, he will make them rich if they can get him back to civilization. क्वेश्चन 32. Which best describes Prospero? Prospero को कौन सा सबसे ज्यादा डिस्क्राइब करता है? तो ऑप्शन सी, वह गॉडलाइक था, मैनिपुलेटिव था, फॉरगिविंग था और लविंग भी था. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 33. Who are Ariel and Caliban? यहां ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. एरियल इज ए स्पिरिट ऑफ द एयर एंड कैलिबन इज प्रोस्पेरोज स्लेव, उसका गुलाम रहता है. क्वेश्चन 34. हु डज प्रोस्पेरो क्लेम ही वॉज बिफोर हिज ब्रदर सीज्ड हिज प्रॉपर्टी एंड टाइटल? तो वह ड्यूक ऑफ मिलान था. ऑप्शन बी. क्वेश्चन 35. हु सेज द फॉलोइंग? ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हियर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट. तो ये मिरांडा का कथन है. ऑप्शन सी. क्वेश्चन 36. हु सेज द फॉलोइंग? अ डेविल, अ बॉन्ड, ब्ला 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 ब्ला. ये जो लाइन है किसने कहा है? ऑप्शन डी, प्रोस्पेरो का कहा हुआ लाइन है. क्वेश्चन 37. ये भी अंतिम लाइन है प्रोस्पेरो का टेम्पेस्ट में. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. वह कहता है, अनलेस आई बी रिलीव्ड बाई प्रेयर विच पियर्सेस सो दैट इट असॉल्ट्स मर्सी इटसेल्फ एंड फ्रीज ऑल फॉल्स एज यू From crimes would pardon be, let your indulgence set me free. Question 38. The play opens with the upcoming marriage of which couple? तो ये A Midsummer Night's Dream का पार्ट है. तो यहां ऑप्शन सी द राइट आंसर, Theseus and Hippolyta. 39. What does Puck transform Nick Bottom into? उसे एक गधा बना देता है, उसका सर गधे का बना देता है, बाकी शरीर आदमी का रहता है. ऑप्शन डी, यह ओबेरॉन के कहने पर टाइटेनिया के लिए बनाता है उस बॉटम को. ऑप्शन डी. क्वेश्चन 40. व्हाट इज पक आल्सो नोन एज? पक को हम लोग रॉबिन गुडफेलो भी कहते हैं. ऑप्शन सी. क्वेश्चन 41. व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले विद इन द प्ले? ऑप्शन ए, पिनामस एंड थिस्बी. क्वेश्चन 42. When the play begins, Lysander and Demetrius are both in love with whom? Option B, Hermia. दोनों Hermia से प्यार करते हैं. 43. Which character does Titania fall in love with because of Oberon's potion? Option A, Bottom, जो कि एक मूर्ख रहता है और उसका ही गर्दन हटाकर गधे का गर्दन लगा देता है पक. Question 44. Which character do Lysander and Demetrius both fall in love with after Puck sprinkles their eyes with love juice? Love juice डालने के बाद दोनों को किससे प्यार हो जाता है? तो ये लोग Hermia को भूल जाते हैं और Helena से प्यार करने लगते हैं. So option A is the right answer. Question 45. Who says the following? Your wrongs do set a scandal on my sex. We cannot fight for love as men do, as men may do. We should be wooed and were not made to woo. तो ये Helena का कथन है जब ये दोनों लोग Helena से प्रेम करने लगते हैं. क्वेश्चन 46. हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स? दीज थिंग्स सीम स्मॉल एंड अनडिस्टिंग्विशेबल लाइक फार ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला. इट सीम्स टू मी दैट येट वी स्लीप वी ड्रीम. ऑप्शन ए, डेमेट्रियस का यह कथन है. व्हाई आर ओबेरॉन एंड टाइटेनिया फाइटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? दोनों क्यों लड़ते रहते हैं? तो जो ओबेरॉन है वो एक इंडियन प्रिंस है, इंडियन बॉय है, जिसको कस्टडी में लेना चाहता है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेकिन टाइटेनिया देना नहीं चाहती है.
क्वेश्चन 48, विच मैन डज हर्मियाज फादर वॉन्ट हर टू मैरी? तो ऑप्शन बी, डिमेट्रियस से वो शादी करवाना चाहता है, जिसका नाम यूजियस रहता है, यानी हर्मिया के पिता का नाम यूजियस है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द यंग एथेनियंस इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोशन? ऑप्शन ए, लिजेंडर। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर डू लिजेंडर एंड हर्मिया प्लान टू बी मैरिड? चूंकि जहां वो रह रहे थे वहां पे कानून था, तो उस कानून से दूर, ऑप्शन बी, लिजेंडर के आंट के घर में ये लोग शादी करना चाहते हैं। वहां कानून था कि जो पिता जिस लड़के को फिक्स करेगा शादी के लिए, उसी से शादी करना है, नहीं तो उसे सजा हो जाएगी। तो ये लोग हटकर भागना चाहते हैं वहां से और लिजेंडर के आंट के घर जाकर शादी करना चाहते हैं। क्वेश्चन 51, हाउ डज पक प्रिवेंट डिमेट्रियस एंड लिजेंडर फ्रॉम फाइटिंग? तो ये दोनों को अलग कर देता है, ऑप्शन डी, बाय मिमिकिंग देयर वॉइसेस एंड कॉजिंग ईच टू गेट लॉस्ट इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। क्वेश्चन 52, हु फर्स्ट थिंग्स ऑफ यूजिंग द लव पोशन ऑन टाइटेनिया? ये किसके कारण टाइटेनिया के आंखों में यूज किया जाता है? तो उसका पति ओबेरन जो था वही करवाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, हु टेल्स डिमेट्रियस दैट लिजेंडर एंड हर्मिया आर प्लानिंग टू एलोप? तो यह हेलेना बता देती है, हेलेना जो है, ऑप्शन डी, हेलेना बता देती है डिमेट्रियस को, क्योंकि हेलेना चुपके चुपके डिमेट्रियस से प्यार करती है, लेकिन डिमेट्रियस शादी करना चाहता है हर्मिया से, तो वह उसके प्रेम में आकर वो बता देती है डिमेट्रियस को कि लिजेंडर और हर्मिया भागने वाले हैं। क्वेश्चन 54, हाउ मेनी वेडिंग्स टेक प्लेस बिफोर द प्ले विद इन अ प्ले? ऑप्शन ए, 3। क्वेश्चन 55, हाउ वॉज नथिंग प्रोनाउंस्ड इन शेक्सपियरियन प्लेज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नोटिंग। तो इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स अगेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।